एरिया और इसके दो साइड्स। पहला आता है दरवाजे के उस पार से, पिचर कहलाता है। दूसरा टैंक में यहाँ बैठ रहा है, शार्क कहलाता है। पिचर अपना आइडिया लेके आता है, यहाँ बैठे शार्क्स ये तय करते हैं कि उस आइडिया में वो अपना पैसा लगाएंगे या नहीं। हम लेकर आए हैं ग्रोफिटा रिवॉर्ड्स ऐप, एक ऐसा ऐप जो आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों का ख्याल रखता है। एडो को हॉस्पिटल में लोगों की सहायता करते हुए यूज कर सकते हैं। अमेजिंग यार। अगर शार्क्स को आइडिया पसंद आता है तो वो आइडिया में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपको ऑफर करता हूँ 50 लाख, 75 लाख और 20% इक्विटी। एक तरफ पिचर्स के सपने हैं दाव पर, तो दूसरी तरफ शार्क्स के अपने पैसे लगने वाले हैं दाव पर। खाली आप पे बैठ ले रहे हैं, आपका बिजनेस तो कुछ है, बड़ा मेहनत करिए कमाने के लिए। एक तरफ उम्मीद है दाव पर, तो दूसरी तरफ अनुभव है दाव पर। मुझे इस कॉज के साथ जुड़ना है, मुझे इसको रेवोल्यूशनरी बनाना है। वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया, बदलते भारत की नई तस्वीर। मेरा नाम ऐश्वर्या है, मैं सिटी ऑफ जॉय कोलकाता से आई हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी खुद की सबसे फेवरेट हूँ। बीट माय मेकअप, बीट माय हेयर, बीट माय क्लोथ, शी स्माइलिंग सो शी नोज दैट इनसाइड एंड आउट आई पुट माय बेस्ट फुट फॉरवर्ड, लव इट। बट जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहा है कि मैं अपना स्किन का बहुत अच्छे से केयर करूँ, और वो इसलिए है क्योंकि वो नॉलेज के बाद ही आप स्किन केयर को समझ सकते हैं। फॉर दैट रीजन मे बी जब मैं बाहर जाती हूँ ना, समटाइम माई फ्रेंड्स कम दिस क्लोज टू माई फेस ना, ऐसे आ जाते हैं, बोलते यार तेरे रिंकल्स कहाँ हैं, यू एक्चुअली हैव स्किन लाइक अ 20-year-old व्हेन यू एक्चुअली 40। तब मैंने सोचा यार व्हाई नॉट शेयर दी स्किन केयर टिप्स एंड ट्रिक्स एंड सीक्रेट्स एंड फॉर्मुलेशन, एंड उस टाइम पे पॉली वॉज बोर्न। 3 साल से हमने बहुत सारे बकेट्स में ऐसे टिक किए हैं, माइलस्टोन्स हिट किए हैं, 15,000 से ज़्यादा हमारे कस्टमर्स हैं, हम लोग आज सारे मार्केट प्लेसेज में अवेलेबल है, ऑलमोस्ट 57% ऑफ आर कस्टमर्स आर आर रिपीट कस्टमर्स, उनके लिए ना एक्चुअली इट्स ऑली और नथिंग। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इन एक्सचेंज ऑफ 4% इक्विटी ओली में 75 लाख ओनली इन्वेस्ट करें, और अगर आप इन्वेस्ट करें तो मैं ये चाहती हूँ कि आपका मेंटरिंग, आपका नेटवर्क, वो मेरे लिए एक्चुअली में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोर देन द मनी। सो थैंक यू ऐश्वर्या, मुझे आपका एटीट्यूड बहुत पसंद आया। थैंक यू। इनफैक्ट मेरा फेवरेट कोट है, बी यू द वर्ल्ड विल एडजस्ट। तो कॉम्प्लीमेंट्स ऑन योर फैंटास्टिक एटीट्यूड। थैंक यू ऐश्वर्या। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए, ट्रिगर कैसे हुआ ये सब? मैं जब 12th में थी उसके बाद, तब तो मुझे एकदम ही कलकत्ता पसंद नहीं था, मैंने बोला अभी निकलना है यहाँ से। दुबई सिंगापुर से एसपी जैन का एमबीए कंप्लीट किया, जो एनी ब्यूरोक्रेटिक फैमिली की बच्ची सिंगल चाइल्ड, तो वो जो करता है कि कॉर्पोरेट में काम करो, मैंने वो भी किया, एमएनसीज में काम करी, एकदम मजा नहीं आया। क्या था? मार्केटिंग बीटीएल हेड का रोल था, तो मैं सोचती थी कि यार सब तो ठीक है अभी तक, तो क्यों नहीं मजा आ रहा है। फिर मेरे फादर एंड मदर दोनों कलकत्ता में रहते हैं, तो आई सडनली रियलाइज कि आई हैव टू गो बैक देयर। उस टाइम पे मुझे फील हुआ कि जो चीज़ मुझे पसंद है करना, वो करने में मुझे कितना मज़ा आता है। एंड आज आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि वाई स्किन केयर, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत कोई कर रहा है, तो ये क्यों? बट यही में मुझे इसी में मज़ा आता है, भले छोटा हो लेकिन ये मेरा है और ये बहुत कम्प्लीट है। ओली जहाँ तक मेरे को पता है एक उत्तराखंड में हैमलेट है। हाँ। मैं वहाँ पे रह भी चुका हूँ, काफी सुंदर जगह है, बर्फ पड़ती है। हाँ।
तो आपने नाम उस पे रखा है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, ऑली और ऑयली बहुत ही जल्दी मिक्सअप हो सकता है। हाँ, एकदम। तो ये आपके कभी दिमाग में आया क्या? नहीं, एक्चुअली जब मैं कॉर्पोरेट में काम करती थी ना, तो मैं पूरा दिन बहुत बोर होती थी ऑनेस्टली, क्योंकि मेरे काम तो कोई और करता था। The true making of an entrepreneur. तो मेरे फेसबुक में एक ग्रुप था जिसका नाम था Ash You Like It. वो ग्रुप में कुछ 11,000 लड़कियां थी, कोई लिपस्टिक, कुछ स्किन केयर के स्वाचेस चलते थे पूरा दिन। तो वहां से वो Ash You Like It जो है, तो उन्होंने अपने आप ही से उसको क्वेश्चन करके AULI कर दिया था। Okay. शॉर्ट करके जब मैं डिसाइड की कि मुझे अपना खुद का कुछ करना है, तो नाम मैंने ओली ही रखा। इट्स अ ट्रेडमार्क लोगो एंड द नेम इज वेल। आपका प्रोडक्ट देख सकते हैं, पैकेजिंग वगैरह। मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आप नजदीक से देख रही हो, आपकी स्किन सचमुच बहुत सुंदर है। We matching? Yes, I was so excited outside. I know. My girl knows. और आपने फॉर्मुलेट खुद किया? And कौन से प्रोडक्ट्स हैं यहाँ? These are all the serums. ये प्रोडक्ट्स और लोगों के पास भी हैं? नहीं, फॉर्मुलेशन तो एकदम ही डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्मुलेशन। Thank you very much. Thank you. Pleasure is mine. So Aishwarya, जब मैं एक वुमेन एंटरप्रेन्योर देखती हूँ, तो बहुत ही प्राउड फील होता है। Thank you so much, Namita. I did want to say that. As a woman entrepreneur, क्या आपको बहुत बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि ऐश्वर्या, अगर तुम्हारी शादी हो गई या बच्चे हो गए, तो क्या तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगी? Yes. क्या तुम ये बिजनेस बंद कर दोगी? क्या आपने ये सब कमेंट सुने हैं? Yes. और अगर सुने हैं तो आप कैसे जवाब देती है? बहुत बार सुना है, मैं तो हंस देती हूँ। अंदर से ना मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ, बट जो मैंने यही सवालों के और यही पंचेस से जो मेरा वॉल बन गया है ना, उसको अब और कोई नहीं तोड़ सकता। वो आपने अमिताभ का डायलॉग सुना है, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। आप बिल्कुल उसी किस्म के हैं। हाँ, तो आप डॉन ही बने रहिएगा। एकदम इनफैक्ट मेरे को बहुत लोग बुलाते भी है डॉन। देखो मैं बहुत ही अच्छी बॉस हूँ, आई वुड लाइक टू बिलीव दैट, बट फिर भी डरते हैं। कितने एम्प्लॉइज हैं? मेरे 15 एम्प्लॉइज हैं। आपका रेवेन्यू और प्रॉफिट्स क्या है? रेवेन्यू हमारा 2018-19-20 में रहा है 35 लाख। आज हम लोग वहाँ से 1.2 करोड़ आए थे उसके नेक्स्ट ईयर 2021 में, एंड 21-22 में हम लोग का ARR एज ऑफ टुडे स्टैंड्स एट 2.5 करोड़। ऐश्वर्या, ये इंडस्ट्री को मैं बहुत क्लोजली देखता हूँ, क्योंकि D2C आपने जब ये स्टार्ट किया उस टाइम पे बहुत ब्रांड स्टार्ट हुए हैं। हाँ। और वो ब्रांड्स कहाँ किस लेवल पे, आपको भी पता होगा। हाँ, राइट। ऐसा क्या रहा कि आपका ब्रांड वहाँ नहीं पहुँचा? एक्चुअली हम ना थोड़ा सा कस्टमर सेंट्रिक, मतलब वो भी है। तो क्या होता है ना, वो लोग मार्केट प्लेसेस पे बहुत फोकस किए। आपने करते? मैंने नहीं किया। क्यों? दे वर मतलब आस्किंग फॉर सच बिग नंबर, Amazon, Nykaa, स्पेशली Nykaa। नहीं, वो मांग नहीं रहे, मांगता कोई नहीं है। आप जाओ, हाँ, अपना प्रोडक्ट लिस्ट करो। हाँ, लिस्टेड है। बट बिकते नहीं। क्योंकि दिखते नहीं। Right. तो जो दिखता है वो बिकता है, आप right. दिख नहीं पाते क्योंकि अगर पैसा नहीं है वो दिखाने का। राइट, यू आर राइट। आपकी ये सेल कहाँ से रही? ये सेल हमारे खुद की वेबसाइट से, सोशल मीडिया के थ्रू, मेरे लाइव होते हैं, मेरे मास्टर क्लास होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, फिर वर्ड ऑफ माउथ से और कस्टमर्स आते हैं, और उसी से मेरा 75% रेवेन्यू आता है। अनदर 15% मेरे बाकी जितने भी मार्केट प्लेसेस है वहाँ से आते हैं, और बाकी का जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो व्हाट्सएप से, कुछ कुछ सलॉन्स में हम लोग वेस्ट में, ईस्ट में अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आते हैं। आज की तारीख में आपका ग्रॉस मार्जिन क्या है? 10%। हाँ। इतना कम क्यों? नहीं नहीं, कुछ गलत कह रहे हो। 10% आपकी कॉस्ट होगी। आप कितने का बेचते हो ये? मैं मान लीजिए 499। तो खरीदता कितने का? 120 रुपीज। 120 रुपए में खरीदा। हाँ, तो आपका 80% ग्रॉस मार्जिन होगा। 80% 10% क्या सोच के आपने बताया मेरे को? नहीं, मेरे को लगा नेट प्रॉफिट आप बोल रहे हैं। नेट प्रॉफिट वो है। नहीं नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। पिछले 2-3 साल का जो आप नहीं बढ़ पाई इतना जितना की करना चाहिए था, अभी कैसे बढ़ेंगे आप? मैंने अभी तक ना मार्केटिंग में सही बोलूं तो मतलब हर महीने 2-3 लाख ऐसे करके जस्ट नेम सेक के लिए पैसा डाला है,
और जो मैंने रेज किया था फंड्स में, आई हैव रेज्ड 1,40,00,000 इसके पहले. क्या वैल्यूएशन पे? एट 10 crore वैल्यूएशन. टोटल अभी तक इन्वेस्टर्स, मेरे 4 इन्वेस्टर्स हैं. टोटल मैंने अभी तक 25% डाइल्यूट किया है. और लास्ट वैल्यूएशन आपका 10 crore. 10 crore. ये समझ गया. ये जो मैं बिग राउंड रेज करने चाह रही हूँ, इस राउंड से मुझे मार्केटिंग करना है. मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब हम बिजनेस शुरू करा था ना, मैंने कैफे से शुरू किया था. सोशल करके कैफे होता था, मैं अकेला काम करता था. लोन लिया मैंने अपने पापा से, मेरी वाइफ काम करती थी, उसकी सैलरी से हमने अपना घर चलाया था. काम शुरू करने के लिए इंडिया में आपको पैसे की जरूरत होती है, लेकिन उसके बिना भी काम चलता है. आपने इतने पैसे रेस करे, आपने पैसे वेस्ट करे, इस पैसों में तो बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता था. आपने इतने पैसे लगाए कहाँ? मेरे एक्चुअली मेरे ना वो मेंटरशिप ही नहीं थी मेरे, ऑनेस्टली मैं खुद ही मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे कोई बिजनेस करता नहीं है. मतलब वी वेंट इन द फ्लो. मतलब ये जवाब मैं नहीं दे सकती. मेरे को मिल गया आपका नाम. आपको नहीं पता था आप क्या कर रहे हो, पर आप करना चाहते थे, ये नहीं पता था कैसे कर रहे हो. मेरे को लगता है कि आप मार्केटियर नहीं, इन्फ्लुएंसर. आपको अपने प्रोडक्ट का बहुत पैशन है, तो आप प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे बना सकते. मार्केटिंग इज नॉट नॉलेज ट्रांसफर. मार्केटिंग होता है एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट पैकेजिंग होता है, बहुत सी चीजें होती है मार्केटिंग, है ना? तो मुझे नहीं लगता अभी आप तैयार हैं वो करने के लिए. तो इसलिए मेरी तरफ से आपके लिए ना है, तो मैं हूँ आप. मेरे लिए ये बिजनेस अभी मुझे लगता है कि इसमें जो रिक्वायरमेंट है कैपिटल की वो काफी ज्यादा होगी. yes. आज के लिए बिकॉज आई थिंक ये छोटा इन्वेस्टमेंट होगा इस बिजनेस को बहुत बड़ा बनाने के लिए. मैं बाहर हूँ, बट बिजनेस आपका अच्छा है, पैकेजिंग अच्छा है, एंड आई थिंक आप अच्छा करेंगे ये बिजनेस. इसको कंटिन्यू करिए आप. थैंक यू. तो ऐश्वर्या जी, आपके प्रोडक्ट में बहुत दम है. 2.5 crore का माल आप बिना प्रोडक्ट में दम के नहीं बेच सकते. नहीं बेच सकते. अगर आप ढंग से चलाते हैं, आप 5 crore का माल बेचते हैं. हाँ, बिल्कुल. अगर हम आपको बोलें कि ठीक है, अगर हम आपको पैसा कुछ दे रहे हैं और मान लीजिए कि आपके पास 50% रह जाता उसके पास, और हम आपको ये भी बोलें कि इस 50 में से भी आपको 25 किसी और को देना है, आपको को फाउंडर की जरूरत है, आपसे अकेले नहीं होगा, तो आपका क्या रिएक्शन होगा इस पर? नहीं, फिलहाल तो नहीं. इस बिजनेस में आपको एक को-फाउंडर की जरूरत पड़ेगी. हाँ. आप थोड़ा एफर्ट उसमें डालेंगी तो आपको ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा. इस कारण से एटलीस्ट मैं आउट ऑन. मैं आपको एक चीज बताऊं, एक मेरा डायलॉग है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है. मैं आपके प्रोडक्ट में दम है. मैं करना चाहता था इन्वेस्ट, थोड़ा और ऊपर होता ना तो मैं और इसको धक्का मार के आपको नायका अमेजोन फ्लिपकार्ट मैं सब जगह भेज. इसमें कहीं पे मुझे हिचकिचाहट हो रही है, अदरवाइज ये बिजनेस है. ऐश्वर्या, मुझे आप में बहुत बिलीफ है, और मेरा मानना ये है कि आप सोलो भी जा सकती है, को फाउंडर की जरूरत नहीं है. क्योंकि अगर आपको अच्छे मेंटोर्स मिले, यस, इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टर्स जो आपको मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, मार्केटिंग, फाइनेंस में गाइड कर सके, yes. आप बहुत आगे जा सकती है. यस, एंड लाइक आई सेड, आई हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. यस, तो मैं आपको ऑफर देना चाहूंगी 75 lakhs का, बट फॉर 20% इक्विटी. वुड यू बी विलिंग फॉर दैट? ऑफर तो जेनरस है. मैं मार्केटिंग कर चुकी हूँ, मुझे ब्रांड्स बनाने आते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई अडोर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड आई वांट टू बेट ऑन यू. मैम, आई एम सॉरी, बट मुझे नहीं लगता मैं ले पाऊंगी. मैम, आई रियली वांट टू वर्क विद यू, बट 20%
मेरे लिए अभी देना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मुझे आगे बहुत फंड्स रेज करने हैं। आप थोड़ा सा कम कर दो ना इक्विटी आज, मैं अभी दौड़ के आ जाऊँ आपके पास। 18% 15 फाइनल 15 मैं अपनों से दूंगी। 15% इज टू गुड प्लीज टू गुड यार प्लीज यू कैन डू दिस। लेट्स डू इट फॉर 15% ये तो जोड़ी बन के आई थी भाई। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट ऐश्वर्या जी, वेरी बिग मोमेंट फॉर यू। सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। नमस्कार शख्स। नमस्कार, मेरा नाम है सुमन। और मेरा नाम है विनोद कुलहरी। एंड टुगेदर वी आर द फाउंडर्स ऑफ स्वदेशी। मिठाई एक ऐसा शब्द है जो सुन के हर इंडियन के मुंह में पानी आ जाता है। हमारा हर इमोशन, हमारा त्योहार, हमारा सेलिब्रेशन, फंक्शंस सब मीठे से जुड़े हुए हैं। अब इमेजिन कीजिए आप मुंबई में बैठे हैं अपने फ्लैट पे और सुबह सुबह आपका मन किया कि मैं जयपुर की घेवर खा लूं, मलाई घेवर, वहाँ का प्याज कचौड़ी, या कोलकाता का सौंदेश, वहाँ का रसगुल्ला, मथुरा का पेड़ा, आगरा का पेठा, ये सब आपका खाने का मन है, मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन आप नहीं खा सकते, तो क्या करेंगे आप? सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर आप स्वदेशी से कनेक्ट करें। स्वदेशी आपको अगले 24 घंटे में आपके फेवरेट शहर की वो मिठाई आपके डोरस्टेप पे फ्रेश डिलीवर करेगा। सो शार्क्स, वेलकम टू स्वदेशी, इंडिया की देसी मिठास। क्या ये शार्क टैंक का सेट है? यस यस। अमन सर आप ही हो? हाँ सर, आपके लिए दिल्ली से पार्सल आया है स्वदेशी की तरफ से। अरे वाह। अश्नीर सर आपका पार्सल है कोलकाता की। नमिता मैम आपका पार्सल है कोलकाता से। सबसे बड़ा किसका है? पीयूष। मुझे वो चाहिए। अनुपम सर आपका जयपुर से है। पीयूष सर आपका भी जयपुर से है। पीयूष आपके पास है जयपुर का फेमस मलाई घेवर एकदम फ्रेश। अनुपम आपके पास है फेमस प्याज कचौरी जयपुर से। थैंक यू। नमिता मैम यू हैव कोलकाता के नॉलेन गुरेर जौलभरा संदेश। अश्नीर आपके पास है कोलकाता के बेक्ड रसगुल्ला। एंड अमन आपके पास है डोडा बर्फी, I think one of your favorite. Yeah. Please have a taste. Wow. Thank you. Chak's traditional sweets and snacks ka jo market hai, it's a $25 billion plus market. Aur isme zyadatar jo hai unorganized regional players ka domination hai. I'll give you a little kachori if you give me a little sandesh. I'm not giving you it. Sorry. I'll trade. So Swadeshi inhi sabhi regional products ko regional players ko apne platform pe leke aa raha hai so that logon ko unka ek global access mil sake. Aapko na 10 minute ka pause lena padega. Mujhe nahi lagta ye log abhi interested. sure. Take it all in time. Abhi rok jaate hain. Abhi rok jaate hain. Picnic chal raha hai ya. अभी ना सब लोग मांग मांग रहे हैं थोड़ा बाटा दे। आउटस्टैंडिंग। मिठाई की जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है वो उसकी फ्रेशनेस होती है और उसका टेस्ट। स्वदेशी का जो सप्लाई चेन मॉडल है इसके थ्रू हम ये सारे प्रोडक्ट्स
24 घंटे से कम समय में आपके दरवाजे तक पहुंचाते हैं। दोपहर के 12 बजे की बनी हुई प्याज कचौरी हमारे कस्टमर्स पुणे में रात को 9 बजे डिनर में एंजॉय करते हैं। शख्स हमारा आस्क है 40 lakhs for 3%। देखो विनोद एंड डॉक्टर सुमन, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। इतना यूनिक आइडिया और रियल प्रॉब्लम शार्क टैंक पे कभी कभी आता है, तो कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच पीयूष। इसमें एक डिलाइट फैक्टर है और ये आसान भी नहीं लग रहा है। सबने जैसे ही आपने कहा सुबह का खालो खालो डिलाइट, ये डिलाइट फैक्टर है। देखिए भूखा रखते हैं यहाँ पर इसीलिए इसे एडिट ना किया जाए। तो क्या आपका क्या बैकग्राउंड है, ये कैसे संभव किया आपने? सो पीएचडी खत्म किया, शादी की और मैं पुणे आ गई। ये 20 साल से पहले से पुणे में थे एंड यहाँ आई तो मैं राजस्थानी। शादी की तो इनकी तरफ देख रहे हो, मतलब शादीशुदा हो? Yes, absolutely, we are married. मेरे को आपने बताया नहीं तो हम कैसे? Sorry, my husband color coordinated है यार। ये कलर किसने चूज किया था? मैंने। हाँ, obviously. मैं खाली ये चेक कर रहा था ये हमारे साथ ही होता है या सेम पैटर्न चल रहा है वर्ल्ड सबके साथ। तो शादी करके मैं पुणे आई एंड मैं राजस्थानी जयपुर से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे घेवर भी चाहिए किसी त्योहार पे, मुझे मोतीचूर के लड्डू स्पेसिफिक सोडानी के चाहिए। तो धीरे धीरे मेरे जैसे फ्रेंड्स और भी हैं और पुणे में बहुत हैं ऐसे लोग जो अपनी सिटी छोड़ के अपनी जगह छोड़ के आए हैं एंड आई लाइक द कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट अलग था। मैंने विनोद को बोला कि अगर मुझे कोई पहुंचा दे मेरी चीज मेरे त्योहार के दिन, तो जो चेहरे पे हैप्पीनेस होती है और उससे वो पूरा त्योहार आपका मतलब परफेक्ट हो जाता है। और ये इंस्पिरेशन था हमारा। पर आप डॉक्टर हैं? आई एम पीएचडी इन इंग्लिश, आई वर्क्ड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट जयपुर। तो एंटरप्रेन्योरशिप कैसे आपके दिमाग में? एंटरप्रेन्योरशिप में एक सेटिस्फेक्शन है। अब वो जॉब में वो बात नहीं है कि आपने एक ड्रीम देखा और आपको पता है कि वो सबसे अच्छे से कैसे हो सकता है, मेरे कस्टमर के पास कौन सी चीज कैसे पहुंचे, कैसे पैकेज में पहुंचे, उसका कोई त्योहार है तो आई मेक इट श्योर कि उसके साथ एक छोटा सा गिफ्ट और जाए, वो उसका रैपिंग थोड़ा कल्चरल हो और मेरे कस्टमर्स मुझसे जुड़े हुए हैं। हमने 3 साल में कभी भी कस्टमर केयर को नंबर नहीं दिया, आई डायरेक्टली कनेक्ट, मैं उनसे डायरेक्टली बात करती हूँ। पीएचडी साइड में है लेकिन जो मुझे फोन करती है, सुमन तुमने यार सुबह की कचौड़ी पहुंचा दी, अरे यार सब खा के पागल हो रखे हैं, मैंने उनको देखा भी नहीं है कभी, बट दे आर रियली कनेक्टेड और उसी से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। आई लव इट, ट्रू एंटरप्रेन्योरशिप यही होता है। सारे वेंडर से डायरेक्ट कनेक्शन मेरा है। ओह वाओ, यस। एक लड्डू हिल भी गया ट्रे में, मजाल हो, हमारे पूरे कार्टन में एक मिठाई इधर उधर नहीं हो सकती। वो मेरे को पता चल गया, आपने जिस तरह से देखा ना, जब आपने कहा एक लड्डू भी हिल गया, कस्टमर की बात करी है ना, कस्टमर डिलाइट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। किक आती है ना, कस्टमर बोलता है कि बॉस आपने मजा आया इस चीज का, वो किसी और चीज में नहीं आती। तो ऑफर दे देते हैं आपको, बस क्या सुनना है बाकी? चलो डन, आओ हो जाए। तो आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना था मेरे को ये? 700 से 750 रुपीज। अश्नीर ब्रैकेट है, लाइक 500 से कम का ऑर्डर वैल्यू है तो उसके ऊपर 60 रुपीज डिलीवरी विद इन सिटी, और 500 से 1000 के बीच में इट इज 40 रुपीज एंड अबव 1000 इट इज 0। और कोई नहीं कर रहा है ये? कर रहे हैं। ऐसे मॉडल ऑनलाइन एग्रीगेटर के काफी हैं पीयूष, बट जो हमारा वाला है 24 आवर वाला, नोबडी एल्स इज डूइंग। आपका रिपीट रेट कितना है? ऑलमोस्ट 85% कस्टमर्स रिपीट ऑर्डर कर रहे हैं। तो अभी आप कितने ऑर्डर करते हैं दिन के? 30 ऑर्डर के आसपास में डेली का हो रहा है अश्नीर। 30 ऑर्डर से खुशी होती है? मतलब 30 बिल्कुल कम नंबर है। विजिबिलिटी अभी तक जो एक प्रॉब्लम हमने फेस किया शाक, और जिसकी वजह से हम यहाँ पर है, मार्केटिंग हमारा अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया। तो फिर ये तो वायरल हो जानी चाहिए थी ना चीज? जी वायरल वर्ड ऑफ माउथ से हो रही है पीयूष, एंड पुणे में बहुत बिजनेस हो सकता है। मैं तो पुणे से हूँ, मैंने नहीं सुनी है। और मैं तो आई एम लाइक अ डेजर्ट फ्रीक। दैट्स वन ऑफ द थिंग मैम, कि हमारा जो मार्केटिंग वाला पॉइंट है, वी आर रियली वीक ऑन दैट। अभी आपका जो प्रोपोजिशन है वो है दीज लोकल वेंडर्स, राइट? यस। जैसे आप स्केल करेंगे जी, वो लेवल से लोकल वेंडर्स तो स्केल नहीं करने वाले हैं। जो प्रोडक्ट्स हैं इन सभी वेंडर्स के, वो मैम एनी टाइम उनके पास में बेहद मात्रा में तैयार रहते हैं। हमने हर एक वेंडर के क्यूरेटेड प्रोडक्ट्स लिए जो इसके लिए वो जाना जाता है, नॉट दी एवरी प्रोडक्ट। बट इनके क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन है, जैसे क्या होता है ना स्टॉक, अब इसमें क्या होता है कि आपने डाला आज, कि मैंने अगर मैंने आज ऑर्डर डाला, तो रियल टाइम इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं। यस। वो रियल टाइम तो हो नहीं सकता उनका, ये आपको प्रॉब्लम फेस हुई है? फिलहाल तो नहीं हुई है, बिकॉज ऑफ द स्केल, बिकॉज उन्होंने बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट्स लिए ना जो स्पेशलिटी। आपको एक दिन में 200 ऑर्डर आ जाए एक चीज के, तो मैं कंफर्म करके कह सकता हूँ जो इतने प्रॉमिस जो किया है ना एक दिन में देने का, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो आप नहीं दे पाओगे अगर 200 ऑर्डर एक टाइम पे आ गए। ये स्केलिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपका।
तो वो स्केल अप इशू की वजह से मैं आउट हूं, बट ये मैं आपसे ऑर्डर जरूर करूंगा, ऑल द बेस्ट। अमन, इसका मैं जवाब देना चाहूंगा आपको। आई मीन स्केल अप की जहां बात आती है उसमें एक फूड टेक्नोलॉजीज है कई, जैसे मैप टेक्नोलॉजी, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो आपको सप्लाई कर रहा है। एग्जैक्टली, लाला जी जो वहां पे लाला जी बैठ के मिठाई बना रहे हैं ना, मैं मिठाई वाले की प्रॉब्लम बता रहा हूं। जी बिल्कुल, पर आप सब सॉल्व कर दोगे, पर आप मिठाई वाले का माइंडसेट नहीं चेंज करने के इशू। इस वजह से मैं भी आउट हूं, लेकिन आई अश्योर यू कि एमक्यू और मैं पर्सनली आपके बड़े कस्टमर्स बनेंगे। तो चलिए मैं आपको अपना डिसीजन बताता हूं। जी, इसमें प्रॉब्लम मेरे को फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज की लग रही है कि मैं ठीक है यार, महीने में या साल में दिवाली आ गई, कोई त्योहार आ गया, घर में कोई ओकेजन आ गई तो कर लूंगा, ये हर महीने हर हफ्ते होने वाला चीज नहीं है। तो इसमें मैं हाई एक्विजिशन कॉस्ट अफोर्ड ही नहीं कर सकता, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज होगी नहीं, तो इस कारण से मेरे को नहीं लगता इसमें कोई प्रॉफिटेबिलिटी का स्कोप है। मैं इससे बाहर। आउट ऑफ 100 में से आपका कितना बिजनेस है पुणे में? हमारा 80% बिजनेस पुणे में। मुझे वही लग रहा था, इसलिए आपको प्रॉब्लम ज्यादा दिख नहीं रही है। मार्केट मुझे बहुत बड़ा नहीं लग रहा, ये स्पेशलिटी मार्केट है, बहुत लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई बुरा काम कर रहा है। आप कहते हो आप थोड़ा उससे ज्यादा अच्छा करोगे, मान लेते बहुत भी अच्छा करोगे, फिर भी मार्केट इसका एक्सप्लोर नहीं होगा। आप दोनों को देख के आपका संतुलन, आपका जुनून, ये सब बहुत अच्छा लगा, लेकिन इन्वेस्टेबल मेरे नजरिए से अभी तक है नहीं, इसलिए मैं आज आउट हूँ। आपको ऑल द बेस्ट विश करता हूँ। आपने अभी तक कोई टीम मेंबर क्यों नहीं ऐड किया टेक्नोलॉजी में, को-फाउंडर? हमें टेक को-फाउंडर डेफिनेटली चाहिए, और हमें एक मार्केटिंग के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑलरेडी है। मैं तो नहीं हूँ। लाला जी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे? हलवाई की? अरे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सबको बिजनेस चाहिए। नहीं वो है, नहीं नहीं वो मैं सॉल्व कर दूँ। चिड़ावा की एक जगह है, वहाँ का लालचंद का पेड़ा है, वो बाहर भी जाता है कंट्रीज से, एंड दे आर ह्यूज, नॉर्मल से हलवाई हैं। मैं इन लोगों से रेगुलर मिलती हूँ, सोडानी से रेगुलर मिलती हूँ, यही मेरा काम है, एंड आई कीप इन टच कि ये बहुत बढ़ेगा, ये बहुत होगा, आप लोग कर लेंगे ना। तो कहते हैं कि आप बोलिए, हमें भी बिजनेस चाहिए, हमें भी ग्रो करना है, आप जितना बोलेंगे हम करेंगे। बट कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। चलो हमारे डिसीजन मेकिंग करते हैं। मैं बिल्कुल फेंस पे हूँ, बिल्कुल ये कॉपी कर सकता है कोई। वो जब तक कॉपी करेगा ना, 100-200 डब्बे बड़ी बड़ी कंपनीज कुरियर सर्विसेज के थ्रू आए और टूटे फूटे आए, और जब मेरे परफेक्ट, मतलब मेरा वही तो, हमने वही किया है, हमने बहुत डब्बे ऑर्डर किए हैं, हमने 100 बार ऑर्डर किया है, हम महीनों तक एक एक डिश को बार बुला रहे हैं, मैं उनको जाके बता रही हूँ आप ट्रे में डाले। ये डेलिकेसी से, ये डेलिकेसीज को जो हैंडलिंग है वही है, वही नजर, आप वही नजर से बोलिए, किसकी मजाल है कॉपी कर लेगा। लट्टू यहाँ से वहाँ नहीं करेगा, तब तक हम आगे बढ़ जाएंगे। I love that statement. पीयूष, फाइनल डिसीजन। मैं भी आज बाहर हूँ, थोड़ा सा और स्केल करिए इसको। थैंक यू गाइस, नमस्कार, थैंक्स फॉर द लवली फूड, लव योर स्पिरिट, थैंक यू सुमन, वेल डन, थैंक यू, थैंक यू। ए मेरा डब्बा वापस, मेरा डब्बा वापस। ये खाओ, कचौरी खाओ यार, बड़ी अच्छी, इसको गरम करके खाओगे कि ऐसे खा गया मेरा यार। मैं वैसे ऑफर देने वाला था, आप सब बाहर हो गए ना डर के। हमने बचा लिया, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, कोई मिठाई वाले हैं, मीठे ही रहेंगे हम हमेशा। सुपर वुमन लग रही हो, आंखें छोटी आपकी, बहुत पतला बना रही है मुझे इसे। गुड गुड, उसको डील चाहिए इसलिए। सबसे कूल तो इसमें नमिता ही लग रही है। हेलो शार्क्स, माय नेम इज कृष्णन सुंदर राजन, आई एम फ्रॉम दिल्ली, और आज मैं आपको एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहता हूँ जो प्रॉब्लम है भी लेकिन नहीं भी है। टेक्नोलॉजी ने हमें कनेक्ट जरूर कर दिया है, हमारी जिंदगी आसान कर दी है, लेकिन जितना हम कनेक्ट हो रहे हैं उतना ही हम डिटैच हो जा रहे हैं एज ह्यूमंस। अब वीडियो कॉल पे 50 डब्बों से बात करना अच्छा तो है, लेकिन काफ़ी नहीं है। अब अगर टेक्नोलॉजी अपने आप में प्रॉब्लम है तो टेक्नोलॉजी ही उसका समाधान भी है। अब मैं आपको एक ऐसी इमर्सिव दुनिया में ले जाना चाहता हूँ जहाँ पे आप मुंबई में बैठ के अपने बैंगलोर के दोस्त के साथ कनॉट प्लेस की गलियों पे
चाय पे चर्चा कर सकते हैं। कैसे? अच्छा मैं बताता हूँ। बताइए। लोका। लोका एक मेटावर्स ऐप है, इनफैक्ट इंडिया का पहला मेटावर्स ऐप है, जो रियल टाइम रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देता है वाया थर्ड पार्टी एप्स। तो लोका के साथ हम पहले देते हैं कि आप अपना एवटार सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल, फिर हमने एक सीपी का हूबहू मैप बनाया है, उसमें आप घूम सकते हैं, वॉन्डर कर सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं नए। इसमें हमने 3 इंटरैक्टिव जोन्स भी बनाए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं एक एम्फी थिएटर जिसमें आप सिर्फ जा नहीं सकते, पंजाबी म्यूजिक में डांस भी कर सकते हैं, भंगड़ा भी कर सकते हैं, और ये है हमारा ऑडियंस सोशल जो कि थिएटर है, ये हमारा गेमिंग पार्लर है। आप समझ लीजिए आप एक कॉन्सर्ट में जाते हैं, लोगों के साथ एक्सपीरियंस करते हैं, हूटिंग होती है, चीयरिंग होती है, जंपिंग होती है, बहुत सारा मजा आता है। आप मेटावर्स के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, आप जा रहे हैं उन्हीं लोगों के साथ, आपके साथ इधर वो खड़े हुए हैं वर्चुअली एज एवटार, और वहाँ आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, अब आप उनके साथ डांस कर पा रहे हो, और जब कोई चीयर करता है ना, कोई बोलता है अरे वाह वाह मजा आ गया, अब जूम में वाह वाह ढूंढना पड़ रहा है कौन सा डब्बा वाह वाह बोल रहा है, इसमें मुझे पता है जी अमन जी बोल रहे हैं, वहां पे खड़े अमन जी, तो वो जो एक्सपीरियंस है ना, दैट इज व्हाट मेटावर्स इज क्रिएटेड। माय आस्क हियर इज 40 लाख रुपीज इन एक्सचेंज फॉर 5% ऑफ द कंपनी। मैं जरूर इसको एक्सपीरियंस करना चाहता हूं। मैं करना चाहता हूं। लोका एक मेटावर्स है जहां यूजर्स डिजिटल अवतार लेकर सीपी यानी कनॉट प्लेस जैसी जगहों के सिमुलेटेड वातावरण में एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। कई लोग मानते हैं कि ये सोशल मीडिया का भविष्य है, इसलिए शाक, अमन और पीयूष कार्तिक द्वारा बनाए गए मेटावर्स को अनुभव करना चाहते हैं। इसमें ना मैं आपको एक टूर पे ले जाता हूँ अपने सीपी के, जो स्क्रीन पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है ये मेरा कैरेक्टर है, और मैं आपको मिलना चाहता हूँ इस गेम में। पूरा मैप ऐसा बना हुआ है, उसके बीच में सेंट्रल पार्क है, अब सेंट्रल पार्क में एंट्री करेंगे तो वो बिल्कुल इट इज द सेंटर ऑफ द मैप, मैं भी आपको मिल जाऊंगा वहीं पर। मैं शॉपर स्टॉप पहुंच गया हूं। मैं यूज कर सकता हूं आपका फोन? जी जी जी। अब वहां खड़े हो जाए दोनों? हां हां जी हां जी। ऐसा है कि अगर जो जिसको ढूंढेगा ना, आप डील में आप उसी शाक को सिलेक्ट करना। ये सर ये ऐसे मत करो सर, सर आप सब हंस रहे हो लेकिन ये शार्क्स वाली हंसी मुझे पसंद नहीं है सर। ये मजेदार बंदा है। यार अगर मैं जैसे इनको मुक्का मारना चाहता हूँ सर, अभी ना क्योंकि हम 12 प्लस के लिए हैं तो सर मुक्का और वो सब सर हग करना चाहता हूँ सर, वो अभी आ रहा है, अभी तो हमने क्या कर सकते हैं, वी आर आल्सो डांस सर, आप डांस कर सकते हो। ये अमन देखा तुमने मेरा स्टेप भाई, ये तुम्हारे साथ क्या क्या करना चाहता है अमन, मेरे को पता नहीं। चलो ठीक है, समझ में आ गया हमें भाई। कृष्णन भाई बहुत से गलत काम करवा दिए तुमने यार। अच्छा चलो काम की बात करते हैं, और अपना बैकग्राउंड भी बता दीजिए आप। आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम एसआरएम यूनिवर्सिटी, कंप्लीटेड इन 12। उसके बाद आई डिड माय यूडासिटी का एंड्रॉइड डेवलपमेंट कोर्स, सो आई कैन डेवलप ऑन एंड्रॉइड। आई एम अ रिपीट एंटरप्रेन्योर, इससे पहले मैंने 2015 में एक फूड टेक कंपनी शुरू करी थी, और विच वॉज कॉल्ड फूडी बाबा, जिसमें हमने वी डिलीवर्ड। अरे यार फूडी बे नाम होना चाहिए था, फूडी बाबा सर, आई यूज्ड टू वर्क देयर फूडी बे में, उससे आज वो ज़ोमैटो है। हाँ जी हाँ जी। तो पैसे बनाए आपने उन इन्वेस्टर्स के लिए? सर बनाया भी है और डुबाया भी है। तो नेट क्या था? नेट सर नेट ये है कि उन्होंने जितना डाला उतना वापस दे दिया। पहले वो जो स्टार्टअप था फूडी बाबा, उससे क्या सीखा आपने? मतलब मुझे 3 लर्निंग बताइए आप अपने। सर एक लर्निंग की नेवर थिंक योर राइट, क्योंकि गट पे नहीं जाना, डेटा पे जाना है। दूसरा लर्निंग ये है कि गेट द राइट टीम, जैसे वो मतलब अली बाबा का फाउंडर बोलता है यू शुड बी इन अ रूम जिसमें बाकी लोग आपसे स्मार्टर हो। और एक चीज है कि सही टाइम पे पिवट नहीं। आपके पास इतना सब चीज का जवाब क्यों है? या तो आपने बहुत धक्के खाए हैं, या तो फिर आप पढ़ते बहुत हो इंटरनेट पे, तो हर क्वेश्चन को आपको पता है क्या बोलना है। ये तो मुझे लगता था अच्छी बात है। ये अच्छी बात है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अच्छी नहीं है, मैं तो यही कह रहा हूँ। वो कह रहा है सही जवाब दिया। सही जवाब। क्या तुमको ज़करबर्ग की गेम समझ आती है? द लार्जर पिक्चर। हाँ जी। अगर मिलियंस ऑफ लोग इकट्ठे कहीं पे भी है ना, तो वो उसको वहां पे खड़ा होना है जी। ठीक है, अगर वो इंस्टाग्राम पे तो इंस्टाग्राम पे खरीद लेगा, व्हाट्सएप पे तो व्हाट्सएप खरीद लेगा, कल को अगर तेरी गेमिंग चल रही है तो गेमिंग खरीद लेगा। उसको चाहिए क्या? कॉन्करेंट सेम टाइम पे बहुत सारे लोग सेम चीज करते हुए चाहिए जी। जो तूने गेम बोली जितनी भी फोर्टनाइट वगैरह, उसमें क्या होता है? उसमें भी ये लोग गेम खेल रहे हैं जी, और उनको प्लेजर गेम खेलने से आ रहा है।
तेरे इसमें मैं क्या करने हूँ? मेरे को गेड़ी मारनी है। मैं एम्ब्लॉक मार्केट में जाके गाड़ी में खुद की गेड़ी मारूंगा ना, मैं तेरे इसमें बैठ के क्यों गेड़ी मारूंगा? एक सिंपल है, व्हाट इज द हुक? द हुक करंटली विद द काइंड ऑफ गेम इज द इवेंट। इवेंट इज नॉट द हुक। वर्चुअल इवेंट इंडस्ट्री इज ओवर, इट्स नॉट हैपनिंग। भाई जो इवेंट के लिए लोग आएंगे इन मिलियंस, वो इवेंट तुम्हारे मेटावर्स में नहीं होंगे। वो इवेंट्स होंगे फोर्टनाइट में, वो इवेंट्स होंगे फेसबुक में, क्योंकि वो उनको देंगे करोड़ों रुपए वो इवेंट करने के लिए। आपके यहाँ वो इवेंट नहीं होंगे, तो आपका इवेंट हुक नहीं बन पाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो अभी भी हम ढूंढ रहे हैं हुक किधर है, ताकि हम फिशिंग कर सकें। नॉर्मली इस टाइम तक आधे शार्क आउट हो जाते हैं या आधे शार्क इन हो जाते हैं। हम पांचों शार्क ना वेट कर रहे हैं, या तो आउट होने के या इन होने के। तो अब डिसीजन लेते हैं ना फाइनली। क्योंकि आप बड़े आप इंटरेस्टिंग हो, आप हमारे को लास्ट पिच मारो अगले दो मिनट की जी। कि हम आप में क्यों इन्वेस्ट करें, और आप हमारा पैसा अपने पुराने इन्वेस्टर्स को जैसे लॉस दिया है जी, आप मेरा पैसा लुटा तो नहीं दोगे? क्योंकि मेरा बहुत हार्ड अर्न मनी है। आप मेरे पास इसलिए आई है बिकॉज ए, मैंने पिछले से सीखा है, और बी, मुझे मेटावर्स समझ आता है। मुझे ये समझना है कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करें, कैसे ले जाएं, कैसे हुक क्रिएट करें, एज यू सेड। और एक बार हुक क्रिएट होता है तो अपने आप और सोर्सेस खुल जाते हैं। मुझे आप लोगों से वो चाहिए कि मैं गलतियां कर रहा हूं तो उसको ठीक कैसे करूं, एंड हाउ टू क्रिएट दैट हुक टू ब्रिंग इन पीपल। क्या करें यार, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। मेरा मन भी कर रहा है और नहीं भी कर रहा। मन कर रहा है कि मैं डाल दूं। सर मैं तो हमेशा मन की बात सुनता हूं, वैसे मैं अपना बता रहा हूं। और मैं अमन की बात सुनता हूं। बस और क्या, बस। तो मैं डिसीजन लेता हूं, मैं बाहर हूं यार। मेरे को तू सही लगा, तू जेन्युइन बंदा है। मैं इसको 10 मिनट 15 मिनट 2 घंटे क्यों यूज करूं? मेरे को उसका जवाब नहीं मिला है, और उस कारण से मैं बाहर हूं। बिल्कुल, मेरा भी डिसीजन बन गया है जी। बहुत मजा आया आपसे मिलके, लेकिन आपके केस में जेन्युइनली मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रही है टेक्नोलॉजी, और मुझे नहीं लगता है मैं आपको रियली हेल्प कर पाऊंगी, तो उसकी वजह से आई एम आउट जी। मेरा आपसे सवाल है, देखो अभी ना ये बहुत अर्ली स्टेज है, आपने मुझे 3 लर्निंग बताई थी अपने पिछले स्टार्टअप की, वो कैसे आप यहाँ पे लगा रहे हो मुझे बता दो। सर एक तो सबसे बेसिक पॉइंट, जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं विदाउट एनी ईगो, देयर बेटर देन मी। कैसे कह रहे हैं, चाहते हैं आप बेटर? जैसे टेक वाले लोग मेरे से बेटर हैं टेक पे, प्रोग्रामिंग वाले लोग प्रोग्रामिंग में बेटर। आप उनको कैसे कन्विंस करके लाए? उसमें मैं बेटर। यार तेरे को एक झप्पी तो दूंगा जाने से पहले। I know, he's too good. As I said, मेरे को ना I prefer the Rocky Balboa। हाँ वो भी कर लेंगे यार। मैं ना दो चीजों पे बैठ लेता हूँ, एक तो एंटरप्रेन्योर पे और दूसरा है बिजनेस पे। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे को बिजनेस है ना उसका अभी ज्यादा आइडिया नहीं है, बट मुझे ना आप पे वो है कि आप कुछ ना कुछ फोड़ लोगे, तो मैं आपके साथ आपकी जर्नी पे जाना चाहता हूँ। दैट इज द रीजन आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। चलो आपको एक ऑफर देते हैं, मैं, अनुपम और अमन, तीनों साथ आएंगे। क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर बड़े जबरदस्त हो, तो हमारा ऑफर है 40 लाख फॉर 25%। मैं सोच सकता हूँ एक मिनट? क्यों, आप तो खुद की सुनते थे, मन की सुनते थे। सर वो मन को ही एक मिनट सुनना है। सुन लो टिटोलना है। एक बस आ गया। माइंड को ही एक मिनट। योगा, मेडिटेशन। नहीं, इसका हाजिर जवाब है बिल्कुल। मैं यही कहता हूँ कुछ ना कुछ कर लेगा। यार कुछ ना कुछ कर लेगा, ही इज वेरी स्मार्ट। नहीं हुआ तो मेरी कंपनी में भी आ सकता है। आओ मान। आइए। फिर क्या हम 2 करोड़ के वैल्यूएशन पे कर सकते हैं? 2 करोड़ पे कितना हो गया, मतलब 40 लाख, मतलब 20% हो गया। 20%। लेकिन यार तुमको डील क्लोज करनी है तो 8-8-8 लेके 24 में खत्म कर सकते हैं खाली। तो 24 पे डन करें। बोलो भाई, काम बहुत करना है, अभी से शुरू करना पड़ेगा। मन की सुनो और अमन को रखो। वन टू थ्री चेक फाड़े भाई। ठीक है। ऑलराइट। वाओ।
Okay, good job. ये माइसू कौन है भाई? माइसू टेक्नोलॉजी. माइसू इज़ द कंपनीज़ नेम. एक माइसू का मतलब तो बता. सर माइसू इज़ माय मॉम एंड डैड. ओह वेरी गुड. आपके ना हर जवाब टॉप है बिल्कुल. खाली आप पे बैट ले रहे हैं, आपका बिजनेस तो कुछ है नहीं. बट बना देना भाई, बड़ा बड़ा मेहनत करिए कमाने के लिए. अगर आप वो दे रहे हैं तो अब बना देंगे हम, ऐसे तो बोल दो कम से कम. यस मैम, कांग्रेचुलेशन. सर आपसे तो वो वादा था, एक रॉकी बालबोआ. हाँ, लेट्स डू इट. करते हैं भाई. चल ठीक है, कांग्रेचुलेशंस मैन, ऑल द बेस्ट, गुड स्टफ, एंड लेट्स बिल्ड इट अप. गुड. हैव अ ड्रिंक टुनाइट बडी. श्योर. एंड डोंट ड्रिंक फ्रॉम दिस मनी. एंड दिस मनी आल्सो, नो प्रॉब्लम. एक दिन मैं भी पिच करूंगा इन बाकी शार्क्स को. मैंने अपना वैल्यूएशन भी डिसाइड कर लिया इनको देने. हाँ, लेकिन मैं पता क्या करूंगा, आपको खरीद लूंगा. आप में पोटेंशियल तो देखो है नहीं. नहीं, मैं चाहता हूँ लोग ग्रिल करें ना. हाँ. सवाल पूछो जेन्युइन, मजाक की बात नहीं. नहीं, हम करना चाहते हैं. इवन आई वुड लाइक टू डू इट. थोड़ा सा शेज लाने पड़ेंगे देने के लिए.